नया नोट लेंगे, वो नोट लेके आपने जुमेरात को, ये अमल जब भी करना है जुमेरात को शुरू करना है, जुमेरात को, जिस तरह आज से। अब आपने एक ही नशिस्त में 1000 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्ला अलियल अज़ीम। अब लो हर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, ये जो नोट है इसको पर थोड़ी सी खुशबू लगाएंगे और इसको दम कर देंगे दोनों तरफ आगे और पीछे फूंक मार देंगे। अब ये खुशबू लगा के आपने वो प्लास्टिक की पाउच के अंदर अगले दिन आप पढ़ेंगे 1000 मरतबा, दोबारा ये अमल दोहराएंगे। ये 21 दिन का अमल है, तो 21 दिन में तीसरा कलमा कितनी बार पढ़ा जाएगा? 21,000। जब 21,000 मरतबा कलमा पढ़ के रोजाना इस नोट को आगे और पीछे आप दम करते रहे, खुशबू लगाते रहे और पोच में डाल के हमारे साथ हो, ये नोट नहीं अब रह गया, ये अब कागज नहीं रह गया, ये नूर अला नूर हो गया। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल अलियल अज़ीम। पहले अल्लाह के नबी की हदीस सुन लो, तुम्हें यकीन आ जाए कि ये ड्रामा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि जिसने तीसरा कलमा एक बार पढ़ा फिर वो मर गया, दुनिया भी तबाह हो जाएगी, पढ़ने वाला कारी भी मर जाएगा, लेकिन उसका अजर लिखने वाले फरिश्ते फिर भी अजर लिखते रहेंगे। यानी क्यामत बर्पा हो जाएगी, अजर मुकम्मल लिखा नहीं जाएगा, इतना अजर अल्लाह एक बार अदा पढ़ने पे अदा फरमाएगा। जो रोजाना 1000 पढ़ के इसको फूंक मारेगा उसका क्या